गया एक और टेस्ट मैच हमारे हाथ से जा चुका है भाई। इस मैच का फैसला तभी हो गया था जब पाकिस्तान ने 10वीं विकेट के ऊपर, इसको कहते इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगवा दी कि मतलब कि हम बल्लेबाजों को आउट कर ले तो वहां से आके बॉलर भी हमें मार के जा रहे हैं। कि बंदा पूछे कि मैट हेनरी आके 68 मार गया, चलो उसमें तो फिर उसके 50 थे इंटरनेशनल करियर में, एजाज पटेल से भी 35 रन खा लिए, वही पाकिस्तान ने सारा मोमेंटम लूज कर दिया। तो मेरा तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना दिन आवाजार हो जाता है जब बाबर आजम रन आउट होता है। बेशक बाबर आजम पहली बॉल के ऊपर LBW क्लीन बोल लो, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जब बाबर आजम रन आउट होता है ना तो मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि जब बाबर आजम खेल रहा था इतना अच्छा खेल रहा था, इमामुल हक की कॉल थी वो जनाब, जिसको कहते हैं कि उसने देख के भागा ही नहीं, और बाबर आजम ने बॉल को देखा ही नहीं, इमाम रोकता रोकता रह गया, बाबर आजम चलते बने। खैर जिसको कहते हैं कि ना मैं समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान की टीम ने ना मेरी जवानी बर्बाद करके रख देने, क्योंकि मुझे जिंदगी में यही टेंशन रह जाएगी कि पाकिस्तान की टीम ने ये कर दिया, पाकिस्तान की टीम ने वो कर दिया, अपने तो जिसको कहते हैं ना बाल चिट्टे हो जाने जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। बात करें आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो कल कहां थे हम आज कहां हैं। एक दिन खुशी का होता है तो अगले 2 दिन ये ऐसा दुख देते हैं कि बंदा पूछे तो पूछे क्या। पाकिस्तान के इसको जिसको कहते हैं 154 पे 3 आउट है हवालात के 3 आउट है, लेकिन जो पहाड़ जैसा हमने रन करने हैं अभी 295 रन पड़े हैं, अभी भी 295 पीछे विकेट हमारे पास कौन सी है, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, और कोई है ही नहीं हमारे पास इसके बाद। अगर देखा जाए इस वक्त आज के दिन में पाकिस्तान ने 140 रन ऐड करवाया, कल मैं कह रहा था 360-370 तक पाकिस्तान को रोक ले और पाकिस्तान ने 400 प्लस रन करवा दिए। अब बंदा पूछे यहां से अब कैसे जीतोगे, अब देखो ना अब पाकिस्तान जिसको कहते हैं कह रहा पाकिस्तान को 295 रन करने का। आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले बॉलिंग आते साथ ही ईश सोदी आउट, उसके बाद क्या था 3 आउट ही करने थे वो नहीं हुए, ऐसी पार्टनरशिप लगाई उसके बाद जिसको कहते हैं मसा मसा वो आउट हुए हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आता था अब्दुल्ला शफी जैसे अपनी तरफ से वो ऑडी मैच खेल रहे थे, ऐसे कैच देखे गए हैं मैंने तो ऐसे कभी आउट होते देखा नहीं टेस्ट मैच के अंदर के बंदा स्टार्ट हो रहा है मैच और अब्दुल्ला शफी ऐसे पुल शॉट खेल रहे हैं। इससे पहले जिसको कहते हैं स्टंप हुए थे ये पिछले 2 मैचेस के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो शान मसूद की तो बस उनको मैं क्या ही बोलूं, वो T20 के अंदर टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट मैच में तो वो टेस्ट खेलते ही नहीं है ना। इसके बाद जी बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम इतना अच्छा खेल रहा था, इतना स्मूथ खेल रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान की एक और सेंचुरी मारने वाला, 2023 की पहली सेंचुरी आने वाली है ऐसा लग रहा था, लेकिन जनाब रन आउट होके चले गए, सारा दिल मेरा मूड खराब कर दिया बाबर आजम ने कि अब कौन करेगा रन। एक ही तो बंदा था इमामुल हक, अभी अच्छा खेल रहा है इमामुल हक ने, इसको कहते 74 रन कर दिए 125 बॉल्स के ऊपर, 50 के 59 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ शकील साहब ने इसको कहते हैं ऐसा टुक टुक लगाया विकेट नहीं गिरने दी उसको, किसी ने बाबर आजम कहता कहता चला गया था कि आउट नहीं होना, आज आउट कोई ना हो तो उसने कहा कि आउट नहीं होगा, बेशक मैच इसको कहते हैं कि मैच रुक जाए लेकिन मैं नहीं आउट होगा, वो ही हुआ, वो ऐसा रुका कि उसने फवाद आलम की याद दिला दी रन सीधा ले। एक दफा मुझे याद है पुजारा इंडिया के बल्लेबाज हैं, उन्होंने जिसको कहते हैं ना पहली सिंगल 70 बॉलों के बाद ली थी, तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि साउथ शकील कोई नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड पे उन्होंने खेला 13 रन करके 75 बॉल्स के ऊपर साउथ शकील। खैर पाकिस्तान को 295 रन करने, अभी भी आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन आराम से न्यूजीलैंड के पास गया, जबरदस्त किस्म की न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दिखाई है, दिल जीता है न्यूजीलैंड ने, एक और दफा दिल तोड़ा है पाकिस्तान ने एक और दफा, 2023 का ये पहला दिल जो कहते हैं ना टूट चुका हुआ है। आज डेट है 3 जनवरी, 3 जनवरी को मेरा 2023 का पहला दिल टूट चुका हुआ, यहाँ पे मैंने लिख के लगाना है, मैंने देखना है मेरे कितने दिल तोड़ेगी ये पाकिस्तान की टीम, पहली तोड़ तोड़ के इन्होंने जिसको कहते हैं ना जख्मी कर दिया हुआ है, किसी लड़की ने क्या तोड़ना, हमारी तो टीम ही हमारे दिल तोड़े जा रही है। खैर जिसको कहते हैं लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, अभी पड़े 3 दिन पड़े, क्या पता यहाँ पे डबल सेंचुरी आ जाए कुछ आ जाए, ड्रा ना करवाना बस, ये ड्रा अगर ये भी हो गया ना तो फिर तो पक्का जिसको कहते हैं दिल टेस्ट क्रिकेट से ही दिल उठ जाएगा। खैर जिसको कहते हैं लेट्स सी देखते हैं पाकिस्तान की टीम क्या परफॉर्मेंस दिखाती है। फिलहाल जिसको कहते हैं थोड़ी देर बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका का T20 मैच शुरू होने लगा, उस पर भी तब्सरा करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।